जय साईं राम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाली हूं जो बहुत ही कम लोगों को मालूम होगी। और आज का वीडियो साईं भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ये सुंदर सा ग्रीन कलर का कपड़ा और ये मल्टी कलर की लेस। इस मल्टी कलर की लेस का और इस कपड़े का हम क्या करने वाले हैं? जी हाँ, मैं बनाने वाली हूँ साईं बाबा की सुंदर सी पोशाक। और बाबा की ये पोशाक कहाँ के लिए बन रही है, कौन से मंदिर के लिए बन रही है, वो भी मैं आपसे वीडियो में आके शेयर करूँगी। और इस पोशाक का जो परफेक्ट मेज़रमेंट है वही मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो कपड़ा हमने लिया है उसको हमने ठीक ठीक दो भागों में काट लिया है सीधा सीधा, और उसको उल्टी साइड से एक एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है हमने। ये दोनों तरफ से किनारी मोड़ लेनी है जहाँ से हमने कपड़ा कट किया है, और उसके बाद कपड़े को रख लेना है सीधा, और सीधा करके उसके ऊपर से हमें लगानी है लेस। तो पहले हमने उल्टी तरफ से कपड़े को मोड़ लिया था जिससे उसका कोई धागा ना खींचे, और उसके बाद कपड़े को हम रख रहे हैं सीधा, और इस तरीके से बस लेस लगाते जाना है आपको। ये देखिए, यहाँ से हमें एक बार मैं कॉर्नर क्लियर करके आपको बनाना सिखा देती हूँ। ऐसे हमें यहाँ पे कॉर्नर बनाना है, मेन ये है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको ऐसे घुमा के लाना है, ऐसे जैसे इसके ऊपर ऐसे घुमा के आपको रख देना है। और इस तरीके से आप बनाओगे ना तो बहुत ही सुंदर कॉर्नर बनेगा। आपको उसे उंगली से पकड़ के रखना है, हटाना नहीं है। वापस से जहाँ मैंने सिलाई छोड़ी थी मैं उसी जगह पे ला रही हूँ, वहीं पे मशीन चलाऊंगी मैं एक बार, जहाँ मैंने सिलाई छोड़ी थी वहीं पे। और देखिए, कॉर्नर जहाँ मैंने बनाया था ना उस पे मैंने ये सुई फंसा दी है, और सुई फंसाने के बाद अब मैंने ये मोड़ा था वहाँ पे मैंने सुई लगा दिया, और ये अब हम इसे नीचे करके सिलाई फिर से ऐसी जो नॉर्मल हम कर रहे थे वही सिलाई शुरू हो जाएगी हमारी। देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से कितना सुंदर कॉर्नर उसका बना है। और इसी तरीके से ना आप किसी भी अपने दुपट्टे में भी लगा सकते हो। देखिए देखिए कितना सुंदर ये कॉर्नर बना है। देखिए कैसे बना है। और इसको अगर आप चाहो, अभी लेस मेरी पतली है लेकिन मैं इसमें ना यहाँ पे एक ऐसे सिलाई लगा दूंगी बाद में, और आप चाहो तो डबल सिलाई लगा सकते हो, लेकिन इस लेस में मुझे जरूरत नहीं लग रही डबल सिलाई की। और इसी तरीके से कॉर्नर बनाते हुए मैंने पहली वाली चुन्नी में चारों तरफ से लेस लगा दी है, और ये है दूसरी वाली चुन्नी। तो इसमें भी ना मैंने करीब 5-5 इंच का गैप चारों तरफ से दिया है, और उसके बाद मैंने लेस लगाई है। और देखिए कितने सुंदर कॉर्नर बनाते हुए मैंने लेस लगा ली है, चुन्नी भी बहुत सुंदर लग रही है। और अब कर लेते हैं चुन्नी के परफेक्ट मेजरमेंट की बात। तो इसके लिए मैंने पूरा 7 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, और इसको 3.5-3 मीटर के दो भागों में मैंने काट लिया है। तो दो चुन्नी बन गई है, एक चुन्नी बनेगी मूर्ति के लिए और दूसरी बनेगी समाधि के लिए। और इस तरीके से एक चुन्नी का परफेक्ट साइज़ होता है 3.5 मीटर, तो दो चुन्नी बनती हैं 7 मीटर में। और ये चुन्नी जाएगी शिरडी के साईं बाबा मंदिर में, यहाँ ये बन रही है शिरडी के लिए। शिरडी गए उन्हें पता होगा कि दो चुन्नी चढ़ती हैं, तो ये वाली चुन्नी जो है समाधि के लिए है। तो जब समाधि पे इसे पहनाते हैं ना तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं, ये अंदर दबा देते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, जब ऐसे इसको दबा दिया जाएगा ना अंदर से, तो ये वाला पोर्शन किनारी पे दिखता है वहाँ भी। तो जो लोग गए हैं, ये मैं आपको डिटेल में तो नहीं समझा सकती हूँ, इस तरीके से कि क्या मतलब है वो, जो आप कोई भी नेट से आप बाबा की फोटो निकाल लिए कोई भी, तो आपको पता चल जाएगा कि जो समाधि वाला मंदिर है बाबा का, जो शिरडी वाला मंदिर है, उसमें किस तरीके से बाबा पहने रहते हैं समाधि में, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट ये वाला अगर मैंने यहाँ पे लगाया है, और इससे पहले जब भी मैं पोशाक बाबा पे चढ़ाती हूँ लेके जाती हूँ तो मैं नॉर्मली लगाती हूँ, बट इस टाइम मैंने ये फर्स्ट टाइम लगाया है और मुझे अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं बाबा को कैसा लगता है, बाबा पहनेंगे क्या करेंगे। अभी थोड़ा सा काम और करना है, मेरा मन है कि अभी और ज़्यादा के आइए, अभी मैं कुछ देखूँगी इस पर क्या लगाती हूँ, या तो मैं कुछ लटकन या कुछ देखती हूँ क्या लगाती हूँ। अगर मैं कुछ लगाऊंगी इसमें तो मैं आपसे वही शेयर करूँगी, दिखाऊंगी मैं आपको कि मैं क्या लगा लूँ। अभी लाल तो अब रात के ना 10:30 हो गए हैं, 10:30 बज चुके हैं, तो अभी उसको मैं इतना ही करके छोड़ देती हूँ। और मैं ना 8:30 बजे से बैठी हुई थी, तो रात के 10:30 हो गए हैं, और मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो अब मेरी दोनों चुन्नियाँ तो कंप्लीट हो चुकी हैं, और देखिए अभी मैंने मशीन भी नहीं हटाई है, मेरी मशीन भी वहीं बेड पे ही रखी है। और ये देखिए, ये मैंने चुन्नी में लगा लिए हैं लटकन, और ये जो क्लिप है ना ये शिरडी में ही मैंने शूट करी है, क्योंकि जब हमें शिरडी जाना था ना उससे जस्ट एक दिन पहले ही मैं ये लटकन लगा पाई थी। ये रेडीमेड लटकन है, और ये मार्केट से लाके मैंने ऐसे ही दोनों चुन्नियों में लगा दी हैं, और अब हो गई है मेरे बाबा की पोशाक बिल्कुल रेडी। वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। नई वीडियो में फिर मिलती हूँ, आज की वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। जय साईं राम।